नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। आप देख रहे हैं विभाग और मैं हूं आपका अप्रेंटिस। और विभागी से आपको बताएंगे कि भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन करी है। जी हां, डील है $1 बिलियन की, जिसमें भारतीय एयरटेल ने अपने 4G प्लान्स को मॉडर्नाइज और एक्सपेंड करा है। आपको बता दें, अब 4G नेटवर्क उन ग्रामीण इलाकों में भी जाएगा जहां पहले इंटरनेट का नामो निशान ही नहीं हुआ करता था। एयरटेल ने 2019 में नोकिया को 4G कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल का कुछ एरिया, उड़ीसा, मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, यूपी, ईस्ट साइड सर्कल्स के कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर एयरटेल ने नोकिया के साथ डील करके कुछ एरियाज कवर अपने कर लिए थे। वही आपको बता दें कि वो डील 2019 में जो हुई थी वो $500 मिलियन की डील हुई थी, लेकिन इस साल एयरटेल ने नोकिया के साथ $1 बिलियन की डील साइन की है, जिसमें दोनों कंपनीज 3 लाख रेडियो यूनिट्स को कहीं ज्यादा यानी कि काफी स्पेक्ट्रम बैंड्स में तैनात करेगी। बताया जा रहा है कि पूरा प्रोजेक्ट 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं एयरटेल और नोकिया के सौदे की नींव फ्यूचर में 5G नेटवर्क प्रोवाइड करने की है। जी हाँ, हमारे दर्शक काफी खुश होंगे क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि आने वाले टाइम पे 5G नेटवर्क बहुत ही जल्दी आने वाला है। वहीं आपको बता दें कि नोकिया जीरो कार्बन डिजिटल सोसाइटी को प्रमोट करता है, यानी कि फ्यूचर में नोकिया ऐसे हार्डवेयर्स बनाएगा जिसमें कार्बन रिलीज ही नहीं होगी, बिल्कुल 0% कार्बन रिलीज होगा उसमें। एयरटेल की बात की जाए तो एयरटेल हमेशा से नई टेक्नोलॉजी ही लेता आया है। मार्केट में इस तरह की टेक्नोलॉजी लाना एयरटेल की पुरानी आदत है, और इस बार भी एयरटेल का एम 5G नेटवर्क लाना है। वहीं एयरटेल की तरफ से ये डिजिटल इंडिया की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डिजिटल इंडिया मिशन है, उसकी तरफ एयरटेल का ये काफी अच्छा कदम है। तो देश और दुनिया की बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए विभाग। नमस्कार।